वोटिंग से पहले दिल्ली में कांग्रेस को झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को झटका लगा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली शीला सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान और एमएलए नसीब सिंह, पूर्व एमएलए नीरज बसोया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अरविंद सिंह लवली ने हाल ही में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लवली कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के खिलाफ थे। नरेंद्र मोदी जी पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। आज प्रश्न ये है, मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले भी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। मैंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ठीक बात है कि बीच में कुछ समय के लिए मैं आया था और कुछ माह में वापस चला गया था, इसलिए कि 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए, और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो वर्षों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया है, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लवली जी, पार्टी हाईकमान ने आपसे बात की, आपकी नाराजगी दीपक बावरिया को लेकर की थी? देखिए, मैंने पिछले संडे को इस्तीफा दिया था, आज सैटरडे हो, इसलिए हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जिन लोगों को ना अपनी पार्टी की चिंता है ना देश की चिंता है, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के गृह मंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भाई हैं तो राजकुमार जी हैं, नसीम जी मेरे भाई हैं, नीरज बसोया, अमित मलिक छोटे भाई हैं, हम सब लोगों को अवसर दिया है कि हम जो है अपना अपना योगदान। लवली जी, आपने टुकड़े टुकड़े की बारे कारण है जी, मैंने ये कहा मुझसे जब किसी ने पूछा कि आप पहले भी आए थे और वापस चले गए और आपने ये कहा था कि आप अल्प समय के लिए गए हो और फिट नहीं हो, मैंने बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, NSUI से ज्वाइन करी थी। तो उस समय हमको कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया है कि मैं खून का कतरा कतरा इस देश का है, तो कतरे कतरे से टुकड़ों टुकड़ों तक आ गए, तो मिसफिट तो हमें वहाँ होना ही। और मैंने अपनी चिट्ठी में अनेकों कारण लिखे और आप देख लीजिए, पिछले संडे को इस्तीफा दिया था और आज पूरा हफ्ता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।